हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर 2022 के लिए फोटो एडिट कैसे कर सकते हैं पिक्सआर्ट में। सबसे पहले पिक्सआर्ट ओपन करना है, स्टार्ट एडिटिंग, ऑल फोटोज, फिर आपका जो क्लिक किया होगा उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ड्रॉ टूल में जाना है, यहाँ से फिर लेयर्स में जाके खुद का लेयर सेलेक्ट करना है। इरेजर में जाके फिर इसका हार्डनेस और ओपेसिटी दोनों देख लेना है, जैसे कि ये दोनों फुल रहना है और साइज अपने अकॉर्डिंग। फिर फोटो को जूम करके इसको इरेज करना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट इससे फोटो HD में रिमूव होता है बैकग्राउंड, इसलिए हम लोग यही प्रोसेस को यूज़ करने वाले हैं। इस पार्ट को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आप जितना परफेक्ट इसको रिमूव कीजिएगा उतना ही परफेक्ट आपका बैकग्राउंड भी रिमूव होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके ऐसा सेव इमेज कर लेना है। सेव इमेज होने के बाद इसको कट कर देंगे। इसको बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जिसमें ये मेरा बैकग्राउंड है मून का, और आपको ये सब बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ऐड फोटोज़ में जाना है। फिर यहाँ बैट का PNG है, जैसे कि ये मेरा बैट का PNG। फिर इसको ऐड करेंगे, इसको अभी सेलेक्ट टिक नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है इसका भी पोजिशन थोड़ा इधर उधर करना हो। फिर आपने जो बैकग्राउंड रिमूव किया उस फोटो को लेना है, यहाँ से क्लिक प्रोटेक्ट करके इसको बैक कर लेना है और फिर इसको सेट कर लेना है। यहाँ से करना है, फिर बैक को थोड़ा सेट कीजिए, फिर यहाँ सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से अब इसको टिक करेंगे। फिर ऐड फोटोज में जाके यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर का PNG लेना है, फिर इसको ऐड करना है। यहाँ ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है, फिर यहाँ से इरेज करना है। थोड़ा ओवर लग रहा था इसलिए हम इरेज कर रहे हैं इसको। 3D टेक्स्ट था, ये होने के बाद यहाँ से टिक कर देंगे, यहाँ से टिक कर देंगे। फिर ऐड फोटोज में जाके यहाँ से ये इफेक्ट लेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ से ब्लेंड स्क्रीन कर देंगे। इसका जो यहाँ पार्ट आ रहा है इसको रिमूव करना होगा, रेक्टेंगुलर पार्ट आ रहा है जो PNG का पार्ट होता है, वही यहाँ से जाके, सॉरी गाइस, यहाँ से इरेजर में जाके, फिर इसको इरेजर में जाके इसका ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेंगे, फिर इसको इरेज करेंगे मैच करने के लिए। इसका थोड़ा और हार्डनेस बढ़ा ले रहे हैं, फिर इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ये भी थोड़ा ओवर लग रहा था, तो इसका हार्डनेस कम करके फिर इसको करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ओके, यहाँ से टिक कर देंगे इसको। फिर ऐड फोटोज में जाना है, ये PNG लेना है आपको, ऐड कर लेना है। फिर ऐड फोटोज में जाके ये PNG लेना है बुक का, फिर इसको ड्रॉप करना है,
कितना करने के बाद यहाँ से टिक कर रहे हैं, यहाँ से लैंड स्क्रीन कर रहे हैं, यहाँ अपना जो कॉपी है उस पर लेंगे, यहाँ से इरेजर और इसको रिमूव कर रहे हैं। इसे मैं अपना रिमूव कर रहा हूँ, प्ले स्टोर में जाते हैं, बस इसको प्रॉपर सेट करके मूव नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना नज़दीक ही देखेगा भी नहीं फोटो जूम करके। फिर क्लिक कर देंगे इसको, तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, फिर ऐड फोटोज में जाके यहाँ से 2022 का PNG लेना है, इसको स्क्रीन कर देंगे ब्लेंड में जाके, इसको यहाँ रखेंगे ताकि ऐसा लगे कि कॉपी से 2022 बाहर निकलेगा। यहाँ से ऐड फोटोज में जाके फिर से ये PNG लेंगे, इस तरफ लगा देंगे, फिर यहाँ से ऐड फोटोज में जाना है, फिर यहाँ से ये PNG लेना है, स्क्रीन कर देंगे, इसको भी स्क्रीन करेंगे, जैसे कि मैंने ये स्क्रीन कर देना है, इसको सेट करना होगा सही से। उसके बाद फिर ऐड फोटोज में जाके ऐसे ये लाइट ग्लोइंग PNG लेना है, फिर इसको स्क्रीन कर देना है, इसको यहाँ सेट करना है, फिर यहाँ से एज टिक कर देंगे, इसका ओपेसिटी कर देंगे, अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग फिर से रिजन में जाके कर सकते हैं, हम फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहे ताकि आप लोग पूरा प्रूफली देख सकें उसको। टिक करने के बाद फिर ऐप फोटोज में जाना है, यहाँ से शैडो PNG लेना है, फिर इसको सेट करना है ताकि पिक रियलिस्टिक लगे, इसका कैपेसिटी कम करना है, 3 बार ऐड करना है आपको एक ही को, यहाँ हो जाने के बाद फिर यहाँ टिक करेंगे, फिर ऐड फोटो में फिर से लेंगे उसी PNG को, होंगे 2 बार अपने ब्रेक के नीचे लगाएंगे,
पर डार्क करने के लिए यहाँ से पिक करके यहाँ से ड्रॉ में जाके यहाँ से थ्री डॉट में जाके यहाँ से सेव इमेज कर देना है। सेव इमेज करने के बाद लाइट रूम ओपन करेंगे हम लोग, तो ऑल फोटोज में जाके यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को ऐड कर लेंगे हम लोग। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, यहाँ से ऑटो पे जाके फिर यहाँ से कलर्स में जाके मिक्स थोड़ा फेस का लाइट बढ़ाएंगे, थोड़ा रेड का ही देखेंगे इधर उधर करके, जैसे कि यहाँ प्लस में रहेगा प्लस 30। फिर इसका लुमिनेंस कम करेंगे, येलो का भी थोड़ा रेड तरफ ले जाएंगे, रेडनेस वाला फील कीजिए माइनस में, ऐसा लुमिनेंस करा देंगे। ग्रीन तो है नहीं, ब्लू में जाके इसको थोड़ा मिट करेंगे हम लोग, माइनस के तरफ ले जाके इसका लुमिनेंस बढ़ाएंगे, इसका भी थोड़ा डार्क इसका भी लुमिनेंस बढ़ाएंगे। इसमें डिटेल्स में जाके आपको थोड़ा शार्पनिंग बढ़ाना है फोटो में, नॉइस रिडक्शन जब आप अपने हिसाब से रखना होगा फोटो के हिसाब से कि आप किस पोजीशन में पिक क्लिक कर रहे हैं। हम मास्किंग में जाते हैं, यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट लेना है यहाँ से नीचे तक, और यहाँ का लाइट एक्सपोजर कम करेंगे और डार्कनेस के लिए डिटेल्स भी साथ में चढ़ाएंगे, फुल नॉइस थोड़ा बहुत मतलब 9-10 ऐसे में 12 रख दिए हैं, ऐसे टिक करेंगे। ये बिफोर है और ये आफ्टर, कलर ग्रेडिंग भी हो चुका है, फिर यहाँ से सेव कर आपको एक्सपोर्ट एस, फिर ऐसे टिक करके सेव करेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको फोटो, और आपको न्यू कॉन्सेप्ट कुछ और चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट कर सकते हैं, फिर आगे मैं उसी वीडियो को बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।